एवरीवन, मैं हूँ पारुल। परफेक्ट पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही काम की रेसिपी। सोचिए सोचिए क्या हो सकता है। आज खाने से रिलेटेड कुछ नहीं है, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके बहुत रोज में काम आएगी, और वो है होममेड नीम सोप। नीम सोप जब हम मार्केट से लेते हैं उसका तो हमें पता नहीं होता कि उसमें कितने केमिकल्स मिले हुए हैं। होममेड नीम सोप बनाना बहुत ही आसान है। घर में आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत कम इंग्रेडिएंट से आप घर में ही एकदम नेचुरल ऑर्गेनिक होममेड नीम सोप बना सकते हैं। नीम सोप के बहुत फायदे होते हैं, हम सभी को मालूम है। एक तो ये बॉडी पॉलिशिंग में मदद करता है, हमारी स्किन में चमक के साथ साथ जितने भी निशान, दाग धब्बे, स्कार्स होते हैं उनको हटाता है, और बॉडी एक्ने या पिंपल्स के जो दाग होते हैं उनको क्लीन करता है और स्किन एकदम स्मूथ करता है। बहुत बहुत फायदे होते हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं नीम में, तो इससे बना साबुन हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। और जब आप अपने हाथ से बना हुआ साबुन यूज करेंगे तो आपको बेहद खुशी होगी और आप देखेंगे कि उसके रिजल्ट बाजार के साबुन से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मिनटों में बनने वाला ये होममेड प्योर नीम सोप। सबसे पहले हमें चाहिए होंगी नीम की पत्तियां। मैंने यहाँ अच्छी तरीके से नीम की पत्तियों को वॉश कर लिया है और अब हम इसकी पत्तियां सारी स्टेम से अलग कर लेंगे। नीम का जो ट्री होता है वो जनरली सभी जगह मिल ही जाता है, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा कहीं भी, और बस उसकी थोड़ी सी पत्तियां आप ले लीजिए और धोकर इस तरीके से उसकी सारी पत्तियां निकाल लीजिए। तो इस तरीके से सारी पत्तियां मैंने अलग कर ली हैं। अब हम लेंगे एक ब्लेंडिंग जार। ब्लेंडिंग जार में इन सभी पत्तियों को हम डाल देंगे। थोड़ा सा डालते हैं, एक चम्मच पानी, बहुत ही थोड़ा सा, कि बस इसका हल्का दरदरा पेस्ट बन जाए। बहुत ज्यादा नहीं पीसना है आपको, सिर्फ दरदरा। इसको अच्छे से पीस लेते हैं। तो ये लीजिए, मैंने मिक्सी में इसको अच्छी तरीके से पीस लिया है और लगभग हैंडफुल मैंने लिया था नीम की पत्तियां और इस तरीके से गाढ़ा उसका पेस्ट दरदरा तैयार कर लिया है। ये मैंने लिया है एक ग्लिसरीन सोप। मैंने यहाँ पियर्स का यूज किया है, आप कोई भी वाइल्ड ग्लिसरीन सोप ले सकते हैं या फिर आप यूज कर सकते हैं सोप बेस। सोप बेस आपको किसी भी क्राफ्ट की शॉप पर इजीली मिल जाएगा। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप चाहे सोप बेस लें या कोई भी माइल्ड ग्लिसरीन सोप लें। ग्लिसरीन सोप सभी के घर में ज्यादातर होता है तो मैं यहाँ उसका यूज कर रही हूँ। अब एक ग्रेटर की मदद से हम ग्लिसरीन सोप को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। और ये देखिए, इसको ग्रेट करना बहुत आसान होता है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है टेक्सचर में, ये देखिए। और ये लीजिए, मैंने पूरे ही सोप को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। अब हमें लेनी होगी कोई भी सिलिकॉन ट्रे ले लें, ये सोप मोल्ड्स की फॉर्म में आती हैं, इसे सोप मोल्ड ट्रे भी बोला जाता है, इजीली मिल जाती हैं। या तो आप ये ले लें अगर आपके यहाँ घर में है तो उसे यूज कर लें, या फिर आप कोई भी इस तरीके का जो कर्ड का आइसक्रीम के छोटे छोटे प्लास्टिक के होते हैं या पार्टी वाले बोल्स होते हैं प्लास्टिक के, आप वो ले सकते हैं, या इस तरीके का कोई भी कंटेनर ले सकते हैं जिसमें आपको साबुन को जमाना होगा। तो हम सबसे पहले, अगर आप इसमें साबुन को जमा रहे हैं, थोड़ी सी आप लीजिए वैसलीन। वैसलीन से ये इजीली हमारा साबुन जमने के बाद निकल जाएगा, यानी डीमोल्ड हो जाएगा। तो वैसलीन या आप हल्का सा कोई भी ऑयल लगा लें जिससे कि साबुन इजीली बाहर आ जाए। सिलिकॉन ट्रे में हमें वैसलीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसी तरीके की मटेरियल की बनी होती है कि इससे इजीली सभी चीजें डीमोल्ड आसानी से हो जाती हैं। और अब ये जो हमने पेस्ट तैयार किया था नीम की पत्तियों का, इसमें मैं डाल रही हूँ विटामिन ई ऑयल कैप्सूल। इजीली किसी भी केमिस्ट शॉप पर आपको ये मिल जाएगा। तो एक विटामिन ई कैप्सूल हम इसमें डाल देंगे। हमारी स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है विटामिन ई, इसलिए मैं इस सोप में डाल रही हूँ। अब यहाँ पर खुशबू के लिए अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं 2-3 ड्रॉप्स किसी भी अच्छे एसेंशियल ऑयल की, या तो आप फ्रेग्रेंस ऑयल डाल लें या एसेंशियल ऑयल, पर ये बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि हमने पियर्स लिया है, उसमें भी अपनी स्मेल होती है, इसलिए जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी सिंपल सोप बेस से बना रहे हैं तो वहाँ अपने मन का कोई भी एसेंशियल ऑयल आप यूज कर लें। सभी एसेंशियल ऑयल और इन सभी प्रोडक्ट का मैंने लिंक ऑनलाइन परचेज करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो मैं यहाँ डाल देती हूँ 2-3 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल, जो हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि एसेंशियल ऑयल बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं और ये अच्छी खुशबू भी देगा। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब एक छोटे पैन में मैंने ले लिया है पूरा ग्रेटेड सोप। यहाँ पर इसको हमें करना होगा मेल्ट। मेल्ट करने के दो ऑप्शन हैं, या तो आप 30 सेकेंड्स के लिए हाई पावर पर माइक्रोवेव में इसको मेल्ट कर लें, या फिर आप डबल बॉयलर की मदद से गैस पर मेल्ट करें। तो मैं यहाँ पर गैस पर आपको बताती हूँ कि डबल बॉयलर की मदद से आप कैसे कर सकते हैं। डबल बॉयलर मेथड के लिए आप एक बड़े बर्तन में
पानी लें, पानी लें 3/4, यानी ये बर्तन के हिसाब से 3/4, और इसको गर्म होने दें। आप देख सकते हैं कि पानी गर्म हो रहा है। अब जिस पैन में या आप किसी भी बोल में ले रहे हैं सोप को, वो इसके ऊपर इस तरीके से आपको रखना होगा, जिससे कि इसकी हीट सोप को मिले और सोप धीरे धीरे मेल्ट होने लगे। हमें यहाँ ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि हम इसे डायरेक्ट हीट पर मेल्ट करें। डबल बॉयलर की मदद से ही हमें इसे मेल्ट करना होगा या फिर हमें माइक्रोवेव में करना होगा। तो अब इसको थोड़ी देर इसी तरह मेल्ट होने देते हैं। बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है क्योंकि ये ग्लिसरीन सोप है। मीडियम रखें हीट, और ये देखिए सोप कितनी जल्दी मेल्ट होने लगा। लेकिन यहाँ आपको एक चीज और ध्यान में देनी है, हमें ये सब काम क्विकली करना होगा क्योंकि ये सोप वापस जमने लगता है बहुत ही जल्दी। तो मैं जो लिक्विड हमने नीम के पेस्ट का बनाया था उसको यहीं पर इसमें ऐड कर देंगे और बहुत ज्यादा देर तक इसको हीट नहीं करेंगे। अब फटाफट इसको मिक्स करते हैं क्योंकि सोप अभी पूरी तरह मेल्ट नहीं हुआ है, और इसी के साथ अब ये मेल्ट हो जाएगा और तुरंत ही फिर हम इसे मोल्ड्स में डाल देंगे। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से सोप मेल्ट हो गया है। बस अब इस लिक्विड को हम निकालेंगे और क्विकली मोल्ड्स में डालेंगे। और एक हम इसमें भी डाल लेते हैं। और बस अब हमें इसको रखना होगा फ्रीजर में। फ्रीजर में हम इसको लगभग 35 मिनट्स टू 1 आवर के लिए रखेंगे और बहुत ही जल्दी हमारे सोप जम जाएंगे। और फिर देखिए आपका कितना बढ़िया सोप बनता है। और अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, सिर्फ 20-25 मिनट में ही हमारा नीम सोप होममेड बिल्कुल परफेक्ट जम गया है। बस आप हल्का सा इसको इस तरह से प्रेस कीजिए जिससे ये रिलीज हो जाए इजीली। ये देखिए आप देख सकते हैं अलग हो रहा है, बहुत ही आसान तरीका। और इसको थोड़ा सा करते हैं टैप, वाओ। और ये देखिए हमारा कितना बढ़िया नेचुरल होममेड नीम सोप तैयार है। तो आप इस तरीके से इजीली अपना प्योर होममेड सोप बनाइए नीम का और डेली में यूज कीजिए, क्योंकि इसमें आपने कोई भी केमिकल का इस्तेमाल ऐसा नहीं किया है। आपने सिर्फ यहाँ पर ग्लिसरीन सोप का यूज किया है, क्योंकि अगर आप पूरा स्क्रैच से सोप बनाएंगे तो उसमें बहुत सामान की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको ग्लिसरीन सोप से बनाया है, या फिर आप रेडीमेड सोप इसमें लें। और जो हमने सोप मोल्ड में जमाए थे उनको भी निकाल लेते हैं। इसे डीमोल्ड करना बहुत बहुत आसान। वाह कितना अच्छा इसका लुक आया है, ये देखिए बहुत ही परफेक्ट हमारे सोप तैयार हुए हैं और कितने देखने में भी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल आपके मार्केट से भी बढ़िया है, ये बहुत ही बढ़िया। अब आपको लेना ही नहीं पड़ेगा मार्केट से, आप खुद ही होममेड नीम का जिस तरह मैंने बताया है वैसे आप तैयार कीजिए। तो देखा आपने होममेड नेचुरल नीम का सोप बनाना कितना आसान है। पिंपल्स, पिगमेंटेशन, एक्ने और इन सभी चीजों में ये बहुत फायदा करेगा। जरूर बनाइए और ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज ये इजी होममेड नीम सोप की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह लाइक करें, सभी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।